21वीं सदी भारत की होगी। इस ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी को नई ऊर्जा देने के लिए भारत और रूस कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। तस्वीरें आपको रशिया के मॉस्को से दिखा देते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एटम प्रदर्शनी केंद्र में पहुंचे हुए हैं, जानकारी जुटा रहे हैं किस तरीके से ये काम करता है, किस तरीके से ये तकनीक पूरी काम करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दो दिवसीय दौरा है मॉस्को रूस का, और यहाँ ये दौरे का दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उससे पहले भारतीय समुदाय को संबोधित किया था। इसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध में सैनिकों की याद में बने स्मारक पर भी गए थे, श्रद्धांजलि अर्पित की थी, और अब पहुंचे हुए हैं एटम प्रदर्शनी केंद्र में, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि भारत और रूस के बीच में रक्षा समझौते को लेकर के बातचीत होनी है, और ऐसे में क्या क्या मिलता है रूस की तरफ से ये भी देखने वाली बात होगी। सबसे ज्यादा जो इंतजार हो रहा है वो Sukhoi-57 को लेकर के हो रहा है कि इस पर किस तरीके से डील सामने होती है, बनती है, लेकिन इन सब के बीच एटम को लेकर के एटम प्रदर्शनी केंद्र में किस तरीके से एटम जो है वो काम करते हैं, किस तरीके से ये जो पूरी एक मैकेनिज्म है वो काम करता है, प्रधानमंत्री इसके बारे में समझ रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी उनके साथ इस दौरान मौजूद है, और हर वो जानकारी जुटाई जा रही है सृष्टि जो कि आने वाले भविष्य में भारत के लिए भी कारगर साबित हो। बिल्कुल, जैसा आपने कहा, और कुछ जो प्रोजेक्ट्स यहाँ पर बनाए गए हैं या फिर आने वाले समय में बनने वाले हैं उसे भी समझते हुए प्रधानमंत्री यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। एटम प्रदर्शनी केंद्र में मोदी और पुतिन की पहुँचने की ये तस्वीर, और किस तरीके से इस तमाम तकनीक को आगे बढ़ाया जाएगा उसे समझते हुए भारत के प्रधानमंत्री यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो जैसा हम आपको लगातार बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री का दो दिवसीय ये दौरा बेहद अहम होने वाला है, कई क्षेत्रों को लेकर बातचीत यहाँ पर होने वाली है, जिसमें रक्षा भी एक बेहद महत्वपूर्ण क्षेत्र है। और इसी के तहत आप देख सकते हैं कि पुतिन के साथ में प्रदर्शनी में पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री, और बड़ी ही बारीकी के साथ में उन्हें यहां सीधे तौर पर एक एक चीज बारीकी के साथ में समझते हुए नजर आ रहे हैं। और रूस भारत में 6 नए परमाणु ऊर्जा प्लांट लगाएगा, यह जानकारी आपको दे दें, इसकी पुष्टि रशियन स्टेट एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के चीफ ने की है, और उसी के तहत यह माना जा रहा है कि यह दौरा इस प्रदर्शनी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेहद अहम हो जाता है। बिल्कुल, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिवसीय रूस दौरे पर आज दूसरा दिन और एटम प्रदर्शनी में पीएम मोदी पहुंचे हुए हैं, जहां जानकारी जुटा रहे हैं, और राष्ट्रपति पुतिन भी इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये बेहद ही महत्वपूर्ण मुलाकात हो जाती है, क्योंकि बात इस दौरान कई अहम मुद्दों पर हो रही है, चाहे सुरक्षा समझौते की बात हो, चाहे व्यापार की बात हो, चाहे Sukhoi-57 की बात हो, जिसको लेकर पहले से ही चर्चा हो रही थी। ऐसे में तस्वीरें आप देख रहे हैं, पुतिन के साथ प्रदर्शनी में पहुंचे हैं नरेंद्र मोदी, और प्रधानमंत्री को हम देखते हैं इस तरीके की प्रदर्शनी में जाते हैं तो काफी उत्साह के साथ जानकारी जुटाते जरूर दिखाई देते हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ खास कैसे इस्तेमाल हो सकता है, क्या कुछ इसके फायदे हैं, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले शिखर सम्मेलन की भी जानकारी निकलकर सामने आई, क्योंकि देखिए आज शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए दोनों हिस्सा लेंगे ये खबर सामने आई थी। इससे पहले पहला दिन जब ग्रैंड वेलकम नरेंद्र मोदी का होता है, प्रधानमंत्री पहुंचे और उस दौरान ग्रैंड वेलकम उन्हें मिला, उन्हें रिसीव किया गया, क्योंकि अमेरिका से लेकर के चीन तक हैरान है और परेशान है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि दो दिवसीय यात्रा पर पहुंचे हुए। हालांकि ये 2019 के बाद उनका दौरा है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे तो उन्हें किस तरीके से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया था, ग्रैंड वेलकम किया गया था, खास तैयारियां की गई थी। इसी के साथ प्रधानमंत्री से आज मुलाकात हुई है भारतीय समुदाय की, क्या कुछ रहा इस दो दिन की पूरी यात्रा में आपको हमारे इस खास रिपोर्ट में दिखाते हैं। वैसे तो ये दो शक्तिशाली देशों के राष्ट्राध्यक्ष हैं, लेकिन इनकी केमिस्ट्री बता रही है कि ये दो नेताओं की नहीं बल्कि दो दोस्तों की मुलाकात है, जो जब भी मिलते हैं अंदाज वही पुराना होता है, स्वागत गर्मजोशी वाला होता है, बॉन्डिंग दोस्ती वाली होती है। मुलाकात के दौरान चेहरे पर दिखी खुशी बता रही है कि इसका इंतजार दोनों को काफी वक्त से था।
मित्र के घर आना वो अपने आप में एक बहुत बड़ा खुशी का अवसर होता है, और मुझे आपने अपने घर पर निमंत्रित किया और आज की शाम हम साथ में गप्पे मारे इसलिए आपने तय किया। इस कार्यक्रम की रचना के लिए और मुझे घर पे बुलाने के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करूँ। मोदी के रूस दौरे को लेकर जितना उत्साहित रूस में रह रहे भारतीय समुदाय के लोग थे, उससे ज्यादा रूस के राष्ट्रपति पुतिन थे। जब पीएम मोदी मॉस्को पहुंचे तो देखिए कैसे हाथ मिलाने के बाद ठीक किसी दोस्त की तरह दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया, एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ते कैमरे में कैद हुए। हर मुलाकात के साथ दोनों नेताओं की दोस्ती गहरी और गहरी होती जा रही है, संबंध अच्छे और मजबूत होते जा रहे हैं, इसकी गवाही ये तस्वीर दे रही है। जब पीएम मोदी को पुतिन अपना घर घुमा रहे थे उस दौरान गोल्फ कार से सैर भी कराई। इन तस्वीरों में सबसे खास था पुतिन का ड्राइविंग सीट पर बैठना और मोदी का बगल वाली सीट पर बैठना, यानी जय वीरू की जोड़ी। सब जानते हैं कि पुतिन घुड़सवारी का शौक रखते हैं और इसके लिए उनके आवास पर अलग से घोड़ों का अस्तबल भी है। पुतिन ने पीएम को अस्तबल के बारे में विस्तार से बताया। जब आपका दोस्त सफलता हासिल करता है तो वो दोस्त ही होता है जो सबसे ज्यादा खुश होता है, और पीएम के तीसरी बार सत्ता हासिल करने पर पुतिन ने कुछ इस अंदाज में उन्हें बधाई दी। Думаю, что это не случайно, а результат вашей работы на протяжении многих лет. У вас свои идеи, вы очень энергичный человек, вы умеете добиваться результатов в интересах Индии и индийского народа. И результат: Индия уверенно занимает третье место в мире по объему экономики. मोदी पुतिन की गार्डन में वॉक करते हुए तस्वीर दोनों की केमिस्ट्री बताने के लिए काफी है। जब कोई नेता भारत दौरे पर आता है तो मोदी खुद इस तरह आधिकारिक डिस्कशन से हटकर गार्डन में दिखाई देते हैं। रूस और भारत की दोस्ती सदियों पुरानी है, दोनों हर परिस्थिति में एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, और समय के साथ ये दोस्ती वाला रिश्ता अब और मजबूत होता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।